नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि ब्लैक बेल्ट में बेसिक ट्रेनिंग क्या करना चाहिए, हमें क्या स्टांस करना चाहिए, क्या ब्लॉक प्रैक्टिस करना चाहिए। वैसे आप जब भी करते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि व्हाइट बेल्ट में जो आपने बेसिक ट्रेनिंग किया था ना, वो चीज़ आपको हर एक बेल्ट में आपको करना चाहिए, तो आपका जो परेशानी है ना वो ऐसे ही ख़त्म होकर रखेगा और आपको एक्स्ट्रा में अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वाइट बेल्ट पे कर लेते हैं, समझिए कि सारा चीज़ ही आप कर लिए, थोड़ा बहुत ऐड होते रहेगा ऊपर में और बाकी सब सेम ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टांस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रैक्टिस करना है, हमें जेंको सुदाची। मैं एक साइड से करके दिखाता हूँ और एक फ्रंट से। इस तरह से हमें 1/16 गैप रखना है। और ये ब्लैक बेल्ट में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए जेंको सुदाची, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जब स्टार्ट किए हैं तो ठीक से ही करें। यहाँ से हमारा पैर का फिंगर स्ट्रेट है, तो एक पैर हमारा यहाँ पर ऐसे सीधा आएगा, ऐसे सीधा रहेगा, सामने का पैर घुटना बेंड रहेगा और पीछे का पैर का पोजिशन डिपेंड करता है कि आप पंच कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं। अगर ब्लॉक करेंगे तो चेस्ट हल्का सा साइड होगा, हल्का सा घुटना बेंड टाइप का रहेगा। जब हम लोग पंच करेंगे तो बैक लेग स्ट्रेट, और जब ब्लॉक करेंगे तो चेस्ट साइड। तो इस तरह से डिपेंड करता है आपका क्या चीज़ आप कर रहे हैं। तो जेंको सुदाची इस तरह से है। अगर हम जिस तरह से अगर पंच कर रहे हैं तो ऐसे पैर रहेगा, घुटना बेंड रहेगा, पीछे का पैर टाइट रहेगा। अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं तो इस तरह से रहेगा, हल्का सा चेस्ट साइड करेंगे ना तो हमें बन जाएगा ये घुटना, हल्का सा बेंड हो जाएगा और बॉडी साइड हो जाएगा। ओके, और इसको आप लोग ना जब भी जेंको सुदाची करेंगे ना, तो उसको कम से कम, ब्लैक बेल्ट हो गए तो कम से कम 150, 200, 3 सेट, 4 सेट ऐसे करके आपको जेंको सुदाची का प्रैक्टिस करना चाहिए। एकदम परफेक्ट मैट्स होना चाहिए, गैप मेंटेन करके रखना है, सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा करना है हमको, जो कि ये जेंको सुदाची भी वाइट बेल्ट से आपको ब्लैक बेल्ट में काम आने वाला है, और नेक्स्ट है हमारा कोको सुदाची, जो कि आपको ये भी वाइट बेल्ट से जो टेंडन चले जाइए ना क्यों, आपको ये काम आने वाला है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो पैर है ना, हिल ये हिल, इस तरह से हमें समान समान रखना है। पीछे का पैर का फिंगर और घुटना इस तरफ, ये पैर का फिंगर और घुटना इस तरफ। इजी समझने के लिए दोनों ऐसे करके आप समझ लो, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, दोनों का एक पैर का इधर और एक पैर का फिंगर और घुटना इधर, एक पैर का फिंगर और घुटना इधर, और पीछे की तरफ ये जो पैर है इसके तरफ, पीछे की तरफ हमें बैठना है। इजी समझाने के लिए मैंने बताया आपको। इसके बाद हमें करना है जेंको सुदाची में, आप देखोगे इस तरह से हमें खड़ा है और एक बार कमर को पीछे लेकर आइए, और हिप ट्विस्ट के लिए बहुत बेस्ट है, और फिर ये। अब इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये पैर जैसे हम कोको सुदाची का पैर एकदम सीधा रखे थे उस तरह सीधा रखना है, ये पैर एकदम इस तरह, दोनों पैर का फिंगर इधर और ये पैर बेंड, ये पैर स्ट्रेट, उसके बाद इधर की तरफ टर्न, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कोशादाची। किस तरह से कोशादाची होगा, ये पैर ऐसे करके बेंड करके रखे हैं, दूसरा पैर इसमें आकर चिपक गया, घुटना भी यहाँ चिपक सकता है, ऐसे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इस तरह से ये पीछे से आप देख लो, यहाँ से मैं पैर रखा हूँ ये इस तरह से। तो इसको भी हमें 100 टाइम 200 टाइम प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा आप कीवादाची। ये जो हमारा कीवादाची है, कीवादाची को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी हमें 100 टाइम 200 टाइम प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ से हम लोग ये खड़े हो गए, टच किया और फिर वापस इस तरह से। आपको पीछे का वीडियो आपने अगर फॉलो किया होगा तो पता होगा कि किस तरह से हमें कीवादाची का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हांस जेंको सुदाची, जेंको सुदाची जो होता है उससे थोड़ा सा छोटा होगा, हांस जेंको सुदाची उससे छोटा मोतोदाची, और अगर पैर का फिंगर ऐसे है तो हिकोदाची। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है और इसको ही आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद हमें क्या प्रैक्टिस करना है, ऐसे करके मोतोदाची में खड़े हो गए और पीछे वाला पैर पर ऐसे बैठ गए जितना आप बैठ सक रहे हैं, और सामने का पैर का हिल उठा रहेगा, टो के ऊपर में पैर रहेगा। अगर इसके बारे में जानना हो तो मैंने एक डिटेल में निको आसिदाची के ऊपर में वीडियो बनाया है, उसके ऊपर में आप देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं हाथ का। आपको कुछ चीज़ें हमें क्या करना है, जैसे आपको ये हाथ हाफ ऊँची के करना सीखना होगा। हाथ यहाँ पर रखें, ये यहाँ से
ये, और हिप के साथ में ये, फिर ये हाथ यहाँ पर, ये हाथ यहाँ पर, ये हाथ यहाँ पर, ये हिप के साथ में बॉडी को ऐसे करके चलाना सीखना होगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये चीज़ करना है उराकन, यहाँ चेस्ट के ऊपर हाथ रखना है, यहाँ से उराकन सामने की तरफ ऐसे अटैक करेंगे, चेस्ट के ऊपर हाथ है ऐसे, चेस्ट के ऊपर हाथ है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है उच्चयुके का, वन इस तरह से हाथ यहाँ पर आएगा और स्लो करके ये प्रैक्टिस, स्लो करके ये प्रैक्टिस, स्लो करके ये, फिर यहाँ से हम लोग शोतोके का सेम प्रैक्टिस कर लेंगे, सपोर्टर लेते हुए शोतोके को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे ही हमें आगे उके भी बहुत ज़रूरी है तो आगे उके भी कर लेंगे। शोतोके अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमें, एकदम सीधा और फिर ये। बहुत सारे लोग शोतोके इस तरह से करते हैं, वो अपर लेवल में जाते वक्त में भी ऐसे करके शोतोके करते हैं, जो कि हाथ यहाँ पर रखना है और ये, हाथ यहाँ पर रखना है और ये, इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। जब तक आदत नहीं लगाएंगे तो होगा नहीं, स्लो स्लो में करेंगे तो आस्ते आस्ते आ जाएगा। इसके बाद हमें गीदन सुतोके, गीदन सुतोके, जब गीदन सुतोके करेंगे ना तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर हाथ रखना है। गीदन सुतोके यहाँ से आया, यहाँ पर हाथ रहेगा नीचे की तरफ, चूदन होगा तो यहाँ पर, जोदन होगा तो यहाँ पर हमें हाथ रखना है। तो अभी हमारा गीदन है तो यहाँ पर, तो इस तरह से हाथ ये, इस तरह से हाथ ये, हमें गीदन सुतोके भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पीछे में युशिरो एम्पियुची, बट दोनों हाथ का, मतलब यहाँ पर हाथ रखे हैं ऐसे हाथ है और पीछे अटैक करेंगे इस तरह से एल्बो को, पीछे अटैक करेंगे इस तरह से एल्बो को पीछे। अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है, क्रॉस हैंड एंड अपर में ब्लॉक कर रहे हैं इस तरह से हाथ खोलेंगे, यहाँ पर हाथ रखे हैं क्रॉस अप, फिर से हाथ यहाँ पर क्रॉस अप, फिर से हाथ यहाँ पर क्रॉस अप, फिर से हाथ यहाँ पर इस तरह से। अब हमको एक और चीज़, यहाँ से हाथ घुमाकर ऐसे, हाथ घुमाकर ऐसे, हाथ घुमाकर ऐसे, हाथ घुमाकर ऐसे, ये सारा चीज़ हमें प्रैक्टिस कर लेना है। मावाशी एम्पियुची आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ऐसे ये, यहाँ से ये, 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 मंजी उके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपको पहले ही बताया गया है कि मंजी उके किस तरह से होगा, तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, फिर आपको मायगिरी प्रैक्टिस कर लेना है, फिर आपको योको के कोमी प्रैक्टिस करना है, फिर मिकाजुके गिरी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये सारा चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको एक एक दो दो करके दिखाया, आपको इसको 100 times, 200 times अच्छे से एकदम पकड़ के प्रैक्टिस करना है। अब कुछ लोग प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं देख लीजिए, कुछ लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं हुम हुम, और कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, और दोनों में आपका फाइटिंग में भी फ़र्क होगा, दोनों में टेक्निक में भी फ़र्क होगा, दोनों का टूर्नामेंट में भी फ़र्क होगा, एग्ज़ाम में भी फ़र्क होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाटा बाय। और